हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सनील के कपड़े से सूट सिलना सिखाएंगे, वो भी कॉलर के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 6 इंच। तो 6 को आधा करेंगे तो हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम लेंगे 5 इंच, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक गला हम गोल नहीं बनाएंगे, चौकोर में बनाएंगे। आप चाहे तो गोल भी बना सकती हैं। और यहाँ पर हमें 1 इंच की पट्टी रखनी है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, तो अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी डाली हुई है, तो उसको ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखी गले की पट्टी कटिंग कर ली है, तो अब हम इसको कपड़े पर सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा लिया है और इस कपड़े की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर गले की पट्टी को इस तरह से रख लेना है। और रखने के बाद इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सनील के कपड़े से सूट सिला है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने गले को सिल लिया है, अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है उसको सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से, और बिल्कुल बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है, अब हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको एक बराबर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर बी सेंटर पर इस तरह से निशान लगाएंगे। आपको अच्छे से निशान लगाना है सीधी तरफ से, और पल्ले को हमें सीधा ही रखना है। और जो हमारा गला है उसको हमें इस तरह से रखना है, जो हमने बीच में कट लगाया था वो कट हमें इस तरह से बराबर ही रख के सिलाई लगानी है। और सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के इस तरह से बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर कॉर्नर पर हमें इस तरह से कट लगाने हैं दोनों साइड में। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने गले को इस तरह से सिल लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें शोल्डर सिल लेने हैं। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से शोल्डर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से गले को बराबर करेंगे और पीछे के पल्ले पर हमें इस तरह से कट लगाना है।
और यहाँ पर कॉलर की लंबाई नापेंगे तो कॉलर की लंबाई हमारी आ रही है 5 इंच। तो जो अभी हमने गला कटिंग किया था तो वो ही बचा हुआ हमारा बुकरम है, तो इसमें से हम पट्टी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 5.5 इंच, क्योंकि बीच में हम इसको सिलेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पट्टी को सिल लिया है, और जो हमारी पट्टी है उसकी चौड़ाई हमने 1 इंच ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े पर इस तरह से सिल लेते हैं। कपड़े की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से एक दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें इस किनारी को इस तरह से कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और बचे हुए कपड़े की पहले हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से सीधी कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सिलाई को लगा लेते हैं। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। फिर हम इस कॉलर की पट्टी को सीधा करेंगे। अच्छे से हमें सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद हम ऊपर की तरफ एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके बिल्कुल बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो सूट को हमें उल्टा रखना है, और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे, और इस तरह से दोनों कट को हमें बिल्कुल एक बराबर रख लेना है। और रखने के बाद पहले आधी साइड में इस तरह से कॉलर को सिलेंगे। तो देखिए मैंने आधी तरफ से कॉलर को सिल लिया है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने देखी दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लिया है, और जो अभी हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाब सिलाई को भी लगा दिया है, और जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी उसको निकाल दिया है। तो इस तरह से हमारा कॉलर सिलकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पल्ले को बराबर करेंगे और सूट की फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा निशान लगा है वहीं पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने कट लगाया था तो वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, और सिलाई हम डबल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखी एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई लगाई है। तो सेम इसी तरीके से हमें पल्ले को बराबर करके दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखी दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। दोनों तरफ से देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे की तरफ 2 इंच का मार्जिन लिया था, देखिए यहाँ पर हमारा जो कट है तो उतना हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करके यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है।
तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे और जितना भी हमारा ज़्यादा कपड़ा है तो उसको हमें फोल्ड करके सिलाई को लगाना है। अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके ही हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दूसरे पल्ले पर भी फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चाक से लेते हैं, इस तरह से फोल्ड करके हमें चाक से लेने हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए एक तरफ से चाक से लिए हैं, तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी चाक से लेने हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी तरफ भी चाक से लिए हैं और नीचे से भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इस साइड में भी हमने देखिए चाक से लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू ली है और बाजू को पहले हम नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन जो लिया था तो उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सूट में सिलेंगे। तो जो हमने बाजू में भी सेंटर पर कट लगाया है वो कट हम शोल्डर के बिल्कुल बी सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से नाप लेना है। और जो हमने साइड में कट लगाया है वो कट हमें आगे वाले पल्ले पर इस तरह से रखना है और इस तरह से नाप के ही हम बाजू को सिलेंगे। तो पहले हम एक बाजू को इस तरह से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बाजू को सिल लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई भी लगानी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मोरी है 8 इंच, तो 8 को आधा करेंगे तो हमें 4 इंच पर इस तरह से सिलाई को लगाना है। यहाँ पर जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर ही रख के इस तरह से सिलाई को लगाना है और यहाँ पर हम सिलाई डबल लगाएंगे। यहाँ पर हम हल्की सी कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। और दोस्तों सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है, देखिए हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। और दोस्तों इस तरह से हमने हाफ कॉलर सनील का जो सूट है वो हमने सिलकर दिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें।
जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।